कोटा शहर की लाइफलाइन नारदन बाईपास का पिछले 3 वर्ष से रुका हुआ काम पूरा होने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा चाहा गया किसानों के अतिरिक्त 11,26,00,000 के मुआवजे के प्रस्ताव नगर विकास न्यास कोटा ने स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेज दिए हैं। कोटा शहर के रिंग रोड को पूरा करने वाली 180 करोड़ की मेहती नारदन बाईपास का 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन DLC रेट पर आधारित मुआवजा कम होने से किसानों द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया था। तत्कालीन स्थानीय विधायक भवानी सिंह राजावत ने किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए राज्य सरकार से आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कार्रवाई है और आर्बिट्रेटर ने किसान को 6 करोड़ अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय किया, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसका भुगतान नहीं किया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आर्बिट्रेटर के फैसले को अनुरूप किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति दे दी और इसके लिए कार्यकारी संस्था नगर विकास न्यास से प्रस्ताव मांग लिया। न्यास द्वारा बढ़े हुए मुआवजे के 6,09,00,000 एवं इस पर ब्याज के 5,17,00,000 सहित कुल 11,26,00,000 का प्रस्ताव सड़क परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है और मंत्रालय शीघ्र ही न्यास के खाते में ये राशि जमा करवाएगा। न्यास द्वारा इस राशि का भुगतान प्रभावित किसानों को करने के साथ ही नारदन बाईपास का रुका हुआ निर्माण कार्य भी शुरू होगा।